हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ लूडो, यानी कि लॉकआउट एंड टैग आउट। और आपको दिखाने वाला हूँ इसका डेमो भी, यानी कि मेरे पास जो लूडो किट है उसे एक सैंपल भी आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। लॉकआउट टैग आउट एक सेफ्टी प्रोसीजर है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लूडो होता क्या है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, लॉकआउट एंड टैग आउट, यानी कि इसका मतलब यानी कि लॉक लगाना है और फिर उसमें टैग लगाना है, यानी कि एक पर्ची लगानी है कि ये किस काम के लिए लॉक लगाया गया है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है, कोई भी मशीन पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो उसको बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद उसमें ताला लगा दीजिए, ताकि फिर से कोई मशीन को स्टार्ट ना कर पाए। और उसमें आप अपना नाम पता डाल दीजिए कि नाम डाल दीजिए और किस काम के लिए और कब तक करेंगे, आप उसमें ये डाल दीजिए। तो ये टैग हो गया, सिंपल सा फंडा है। तो आइए इसको समझते हैं इंग्लिश और हिंदी में भी। तो लॉग आउट, टैग आउट और लॉक एंड टैग इज ए सेफ्टी प्रोसीजर विच इज ऑफ्टन यूज टू मेक श्योर दैट हार्मफुल मशीन आर प्रॉपरली शट ऑफ एंड आर नॉट एबल टू बी स्टार्ट अप अगेन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क। यानी कि अगर हिंदी में इसको समझे तो लॉकआउट टैग आउट या लॉक और टैग एक सुरक्षा प्रक्रिया है। इसमें एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसका उपयोग अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि हानिकारक मशीनें ठीक से बंद हैं और रख रखाव या मरम्मत कार्य पूरा होने से पहले शुरू नहीं हो सकता। तो ये होता है लोटो का मतलब। आइए जानते हैं कि एक एक करके लॉकआउट और टैग आउट का मतलब। लॉकआउट का मतलब एक पैडलॉक होता है, एक लॉक होता है जिसको हम ताला लगा देते हैं। और टैग का मतलब कि हम जिसमें एक टैग लगा देते हैं, जिसमें उसमें कौन किस आदमी ने लगाया, किस इक्विपमेंट में काम कर रहा है, कब तक काम करेगा, उसमें रहेगा। ये सिंपल सा है। ताला इसलिए लगाते हैं ताकि एनर्जी को आइसोलेट किया जा सके, कोई उसको स्टार्ट ना कर पाए बिना उसको लॉक के खोले। तो इसमें किस तरह की एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो जो भी हजार्डस एनर्जी है, जो कि हमें मेंटेनेंस के टाइम में, रिपेयर के टाइम में हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि केमिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, थर्मल एंड अदर सोर्स, कुछ अदर सोर्स भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं लॉकआउट और टैग आउट में, यानी कि लोटो में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे तो मेन इंपॉर्टेंट है ये लॉकआउट का लॉक, यानी कि इसको बोलते हैं पैडलॉक। और ये पैडलॉक जो है, आप इसमें दो तीन चाबियां रहती है, जो सिंपल सा लॉक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कलर कोडिंग या इसके ऊपर डेंजर इस तरह का लिखा रहता है। तो ये थोड़े घर में जो लगाते हैं उससे थोड़े हटके होते हैं, हम चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं, बट ये लोटो स्पेशल आता है। और इसमें टैग भी स्पेशल आता है कलर कोडिंग के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं रेड कलर का ऐसा मार्क है, इसमें लिखा हुआ है डेंजर, कौन आदमी काम कर रहा है, उसका नेम, डिपार्टमेंट और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन, यानी कब वो ये काम को होगा, उसका फोटो भी लगाने का ऑप्शन रहता है। चाहे तो आप फोटो लगा सकते हैं कौन आदमी काम कर रहा है, और साथ में अगर कुछ आप रिमार्क देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल होता है। और हम जैसा कि ये तो टैग हो गया, इसको बोलते हैं लोटो टैग। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कई जगह आप पैनल वगैरह होता है उसमें एक ही होल रहता है लॉक लगाने के लिए, तो एक होल में एक ही ताला लग पाएगा। मान लेते हैं एक ही मशीन पे एक से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा ताला लगाने के हो सकता है, यानी कि पैडलॉक लगाने के हो सकता है। तो पैडलॉक लगाने के लिए तब वहां पे लॉकआउट हैश का यूज करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये उसी होल में, यानी कि जहां पे ताला लगाते हैं उस होल में ये फिट बैठ जाएगा। और उसमें अब सिक्स होल का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि अब 6 लोग इसमें ताला लगा सकते हैं, यानी कि एक ही मशीन पे अगर 6 लोग काम कर रहे हैं तो अपना अपना ताला लगा के अपने अपने चाबी लेके जाएं। जब 6 लोग रिटर्न आएंगे, उस ताले को खोलेंगे, तब जाके वहां से फिर से एनर्जी स्टार्ट किया जा सकता है। काफी सिंपल है। उसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब टैग लगाने के लिए ये टाई स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप धागा का भी यूज कर सकते हैं। उस ये जहां पे हम लोटो का सारा सामान रखते हैं उसको हम लोटो स्टेशन बोलते हैं। अब एमसीबी, यानी कि एमसीबी आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एमसीबी लगाते हैं, जब शॉर्ट सर्किट होगा तब ये डाउन हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा लोटो लगाएंगे? तो उसका तो लोटो स्पेशल होगा, क्योंकि वहां पे ताला लगाने का ऑप्शन रहता नहीं है। तो वहां पे ये एमसीबी लोटो लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एमसीबी लोटो है। उसी प्रकार जो है लोटो में कुछ और सामान हो सकते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर वगैरह कहीं जरूरत है तो ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ये लोटो का पार्ट नहीं है। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं कि लोटो कैसे लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं एक ही होल है, और वहां पे यहाँ पे इस
हैस्प का यूज किया गया है, कड़ी हैस्प मतलब कड़ी होता है, कड़ी का यूज किया जिसमें बहुत सारे होल हैं, 6 होल है। इसमें 3 ताला लगा हुआ है यानी कि पैडलॉक लगा हुआ है और 3 टैग लगे हुए हैं, यानी कि 3 लोग इससे इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं वाल्व है, वाल्व मतलब समझते हैं जिसको हम वाटर लाइन में आप देखे होंगे कि एक वाल्व होता है जिसको हम खोलने से पानी जाता है, फ्लो होता है, उसमें किस तरह का लोटो लगाएंगे, तो उसमें इस तरह का स्पेशल लोटो आता है। तो हर काम के लिए आप देख रहे हैं कि स्पेशल स्पेशल लोटो है। हो सकता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे स्पेशल तरह का आवश्यकता हो तो वहां पे स्पेशल लोटो लगेंगे। कुछ यहाँ पे जो वाइडली यूज होने वाले जो इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है लोटो के, वो दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप पैडलॉक है, यहाँ एमसीबी के लिए है, उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं ये अलग तरह का हैस्प है, ये इस तरह का हैस्प है जिसमें हम कहीं भी इस वायर को बांध के और फिर इसमें लाके इसमें लॉक कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वाल के लिए है, ये टैग है, ये भी अलग अलग साइज के आते हैं, हैस्प जो है देख रहे हैं। उस प्रकार ये बहुत सारे डिवाइस हैं आपके कंपनी में अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बट इसका काम एक ही है, एनर्जी को आइसोलेट करना। अब जो है लोटो डिवाइस का कलर कोडिंग रहता है, पैडलॉक का कलर कोडिंग रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राइटर जो कलर है, जो गाढ़ा कलर है, वो हाई रिस्क के लिए यूज किया जाता है, और जो लाइटर कलर है, जो जैसे कि बहुत कम लाइट वाला कलर है, उसको हम लोग लो एनर्जी लो रिस्क के लिए यूज करते हैं। जैसा कि रेड कलर इलेक्ट्रिकल के लिए, ग्रीन मैकेनिकल के लिए। तो इस तरह का कलर, इस तरह कलर कोडिंग ही हमें लगता है ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। आप पता करें आपके कंपनी में किस तरह का कलर कोडिंग यूज किया जाता है। तो 6 स्टेप हैं लोटो को लगाने के लिए। पहला क्या काम करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि हमको किस मशीन पे काम करना है उसका प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद उसको शट डाउन कर देंगे, यानी कि हम उसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद जहां भी लोटो लगाने का जगह होगा, यानी कि उसके या तो पैनल में या उसका कहीं स्विच होगा या कहीं हो सकता है कि वहां वाल होगा, किसी तरह का जो भी हो, उसमें शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद उसको आइसोलेट करेंगे, यानी कि पूरी तरह से बंद करेंगे, और बंद करने के बाद जहां लॉक और टैग लगाने का हो सकता जगह होगा वहां पे लॉक आउट एंड टैग आउट करेंगे। फिर उसमें कोई स्टोर एनर्जी है, मान लेते हैं कि उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर है तो उसको रिलीज कर दीजिए। उसमें मान लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई तो काट दिया लेकिन उसमें कुछ इंडक्शन है, यानी कि यहाँ उसमें कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है, तो उसको हम डिस्चार्ज करेंगे, उसको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे अर्थिंग से, जिससे कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और इस तरह के स्टोर एनर्जी को चेक करते हैं, और उसके बाद आइसोलेशन वेरिफिकेशन करते हैं कि ये आइसोलेट हुआ है कि नहीं, यानी कि चालू करके देखेंगे। अगर पैनल है चालू करने जाएंगे, अगर चालू हो रहा है कि नहीं, अगर चालू हो रहा है मतलब कि आइसोलेशन नहीं हुआ, और अगर चालू हो गया नहीं हुआ तो ठीक है, यानी कि हमारा लोटो पूरी तरह से काम कर रहा है। तो ये 6 स्टेप है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि लोटो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एमसीबी में लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, पैडलॉक लगा है, और इसमें टैग लगा हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ भी सेम है, यहाँ देख रहे हैं एक पैनल में जो है लगा हुआ है लोटो, उसी प्रकार यहाँ भी पैनल में एक लगा रहे हैं, यहाँ भी पैनल में एक लगा हुआ है, यहाँ भी एक स्विच में लगा हुआ है, और यहाँ एक वाटर लाइन में लगा हुआ है, यहाँ भी एक वाटर या पाइपलाइन जो भी हो सकता है, यहाँ पे सॉरी एयर एयर या गैस की लाइन जो भी है, यानी कि एक पाइपलाइन वाल्व में लगा हुआ है। तो वाल्व में कैसे लगाते हैं, ये एक एग्जांपल है। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे एक वाल्व में लगाया जा रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं कि एक वाल्व में लगाया जा रहा है। अभी मैं आपको एक लोटो किट दिखा रहा हूँ जो कि काफी नॉर्मल लोटो किट है, और इसको हम यूज कर सकते हैं। ये कंपनी कंपनी बड़ा या छोटा हो सकता है, जिस कंपनी में जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है डू नॉट ऑपरेट, और इधर क्या लिखा हुआ है आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इक्विपमेंट लॉक्ड और आउट बाई, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये इक्विपमेंट नेम, डिपार्टमेंट, डेट और परमिट नंबर, तो इस तरह का ये टैग हम लोग लगाते हैं। एमसीबी में इस तरह का आप लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए ये ऐसा है, आप निकल सकता है, ये एमसीबी में लगता है, फिर यहाँ पे होल नीचे हुए उसमें हम इस लॉक को लगा देते हैं। स्ट्रिप है जिस जो कि लोटो लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ये स्ट्रिप जैसे आप देख रहे हैं, केबल बांधने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, इसमें ऐसे इसको होल में ऐसे लगाते हैं इस तरह का। ये पैडलॉक है जिसका यूज जो है, यहाँ पे 3 चाबियां हैं, और ये इस तरह का है आप देख रहे हैं, ये पैडलॉक
और ये अलग अलग कलर का है, आप देख रहे हैं ये येलो कलर का है, और ये आप देख रहे हैं ये आपको रेड कलर का है। तो ये अलग अलग कलर है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये कलर कोडिंग भी किया गया है। तो ये देख रहे हैं, ये आपको कहीं लगा के, ऐसा लगा के, और लगाने के बाद इसमें होल में लॉक लगा सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आप 6 होल है, और इसको हम लोग इसमें 6 पर्सन जो है इसमें अपना अपना लॉक लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये लोटो का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।